वेलकम अगेन टू माता सावित्री किचन। आज मैं आपके साथ फिर से एक इंटरनेट पर वायरल रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, जो ब्रेड दूध की रेसिपी है। इसे हम बचपन में खाते थे, मम्मी बना के देती थी ब्रेड दूध सिंपल। इसमें इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। जिसके दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं। ये देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, ब्रेड दूध बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसे बनाने के लिए मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, आप फ्रेश ब्रेड ही लीजिएगा। और इसके साइड के जो ब्राउन एजेस हैं इसे हम कट कर लेंगे। वैसे इसे काटना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कट कर लेंगे तो थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल है, आप कट कर भी सकते हैं नहीं भी। इसे काट लिया है मैंने, अब इसे बनाते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है, पैन गर्म हो चुका है। इसमें मैं बटर ऐड कर रही हूँ, मक्खन। अगर आपके पास बटर है तो आप ऐड कीजिए, बटर नहीं है तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी सबके घर में इजीली मिल जाता है। बटर को हम मेल्ट होने देंगे, बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। मुझे बटर थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा और ज़्यादा ऐड कर रही हूँ बटर। और इसे ब्रेड के स्लाइसेस को मैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करूँगी, मतलब दोनों जो स्लाइसेस हैं अलग अलग गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं आप, नहीं तो इकट्ठे भी आप पलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। गोल्डन ब्राउन करने से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, थोड़ा सा टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाता है, और बटर के साथ बनाने से टेस्ट इसका सच में बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसे बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों तरफ से, और थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करेंगे हम इसमें। और मीठे के लिए आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जैगरी भी ऐड कर सकते हैं और शहद भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका इच्छा करे आप उसे ऐड कर लीजिए। और इसे मीडियम फ्लेम करके इसे पकाएंगे हम। ये देखिए दूध कम हो गया, अब धीरे हल्के हाथों से इस ब्रेड को हम उल्टा कर देंगे, ताकि दोनों तरफ से ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाए, दूध अच्छे से पी ले और टेस्ट भी उसका बढ़ जाए। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखिए जब दूध जल जाता है फ्रेंड्स, मतलब उसको पकाते पकाते जब थोड़ा सा हो जाता है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, गाढ़ा हो जाता है दूध। तो ये हमारा ब्रेड दूध तैयार है। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी लग रहा है और महक भी इसकी बड़ी अच्छी आ रही है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। तो देखिए दूध ब्रेड तैयार हो गया। आप इसे सिंपल भी सर्व कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे मैंने सर्व कर लिया है एक प्लेट में, इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। जब आपका मीठा खाने का मन हो और जब आपका कुछ बनाने का मन ना हो, तो आप ऐसे ही ब्रेड दूध बनाइए, बच्चों को भी दीजिए। इसे ब्रेकफास्ट में शाम के स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। इसे बनाइए अपने घर में और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।